रोटी हो गई है तैयार और सालन भी जो है अभी हमारा तैयार हो रहा है, मसाला हो रहा है। ये देखिए मटन बन रहा है, मटन ये कपड़े डाले हुए हैं। पहले मैं पंखा बंद कर देती हूँ, बाहर आ रही है बारिश। अभी बताती हूँ मैं आपको, बाहर बारिश आ रही है। और ये कपड़े हमने रात में ही डाल दिए थे ना, तो अभी जो है पंखे में यहाँ पर डाल दिए। पहले मैं पंखा बंद कर देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बेबी हटो 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 हटो, गिर जाओगे बेबी। पापा आए, हाँ पापा की गाड़ी की आवाज़ है शायद। अस्सलामुअलैकुम, तो जी मैंने सलाम नहीं किया है। और यहाँ पर देखिए मैं इतना ज़्यादा ताम झाम लेके बैठी हूँ, ये सब मैं आपको बताने के लिए लेकर बैठी हूँ। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि क्या कुछ है। तो ये है गुड़, ये है वाइट ड्रेस नाजुरा का मदरसे का, और ये मदरसे की रियाल है। ये घी है असली, और खजूर इसमें है, नीचे घर के बने हुए वेफर इस वाले डिब्बे में, जाली में। पहले मैं बता रही हूँ, फिर बताती हूँ कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ। देखिए वेफर खाएंगे बेबी तुम, हाँ रुको एक मिनट था। और इसमें है पूरी, तो ये पूरी चने की दाल की जो पूरी बनाते हैं ना, रस पूरी, तो वो वाली पूरी है। ये भी मैं बता देती हूँ आपको। तो ये देखिए ये है पूरियाँ। तो पहले मैं ये रख दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ और कौन लाया है ये। ठीक है, पहले मैं इसको रख देती हूँ। देखिए सामान वगैरह हमने रख दिए है। यहाँ पर बिस्तर का जो है अंबार लगा हुआ है, तो मैं बताती हूँ आप क्या हुआ। अच्छा ये खाएंगे, हाँ ठीक है। पहले इन जनाब को हमें खजूर दे दे, ये लो। ठीक है, तो जी जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तबीयत ख़राब थी। और देखिए माँ तो माँ होती है, तो बस जी मम्मी और मेरे अब्बू भाई और मेरा भांजा फैसल, आपने देखा है इसको बड़े वाला वो, और भाई की बेटी, तो वो सब आए हुए थे बस मुझे देखने के लिए। वो लोग आए थे मंगल के दिन रात में 11 बजे, तो क्योंकि ना घर से ही वो लोग रात में 8 बजे निकले थे, और वैसे नेक्स्ट डे आने वाले थे, लेकिन फिर वही दिन उनका रात में आने का डिसाइड हो गया, तो बस वही दिन। और मेरा ना थोड़ा सा सांस फूल है, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से। क्या हुआ? तो जी वो लोग आए थे रात में 11 बजे, हालांकि 9:30 बजे तक आ जाते थे, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से वहाँ का बस से, और घर की गाड़ी थी तो 1.5 घंटे का ही रास्ता है। लेकिन बारिश, इस कदर बारिश हो रही थी कि उनकी गाड़ी जो है मतलब आगे बढ़ी नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी वो दिन रात में। वो लोगों को ही रास्ते में मिली थी, हमारे इधर थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुई थी, इतनी नहीं हुई थी, मम्मी बता रहे थे जब आए थे। तो क्या हुआ? अच्छा लो, ये खाने का नहीं है बेबी। तो देखिए जी माँ तो माँ होती है, और मम्मी ये सब सामान लेके आए थे। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना नॉर्मल सा सामान और ये कुछ लाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन देखिए सामान नॉर्मल है, लेकिन माँ की मोहब्बत नॉर्मल नहीं होती है। माँ की मोहब्बत बहुत ज़्यादा कीमती है इन सामान के आगे। ये सब सामान देखिए, पा आ रहे बेबी, एक मिनट बात तो करने दो, लो तुम बात कर लो। हाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, बोलो ना सलाम करो। हाँ कर दो सलाम, ठीक है ना। तो देखिए बस ये भी मम्मी से फ़ोन पे बात हुई थी, तो बात निकली थी कि नाजुरा को जो है मदरसे में नया ड्रेस, सफ़ेद ड्रेस लगने वाला है, सॉरी नया बोल रही हूँ मैं। तुम बात नहीं करने देंगे, तुम गंदे बच्चे हो, जाओ पहले कूलर चालू कर लो, जाओ। तुमको कूलर चालू करते आता ना, जाओ। तो देखिए मम्मी का आने का डिसाइड हुआ, तो उसी दिन अर्जेंट में मम्मी ने खाला की बेटी जो सामने रहते उनसे नाजुरा के लिए ड्रेस सिलवाया। और ये गुड़ तो देखिए मम्मी के घर पे आया हुआ था 10 किलो, तो मम्मी ने उसी में से लेके आया कि कुछ भी ज़रूरत अगर पड़े तो जो है बस ऐवे लेके आ गए। खजूर लाए थे तो खजूर और ज़्यादा थी, नीचे भी दिया है क्योंकि ससुर जी का जो है ऑपरेशन हुआ ना, तो उनको भी जो है 1 किलो का पैकेट नीचे दिया है, और दूसरा भी सामान दिए है। खैर मैं वो सब नहीं बताऊंगी अभी यहाँ पर। और ये रियाल भी देखिए, नाजुरा को रियाल लग रही थी,
और जब से जा रहे थे मदरसा तब से बोल रहे थे, हम बस बोल रहे थे हाँ लाएंगे लाएंगे करके, लेकिन लाना नहीं हुआ था। मम्मी से बात हुई थी तो देखिए मम्मी ने रेल भी लेके आ गए हैं। असली हकीकत आप जानते हैं कि मैं हमेशा अपनी मम्मी के घर से ही लाती हूँ। अभी दो बरनी हमारी जू की तू रखी हुई है, ख़त्म भी नहीं हुई, तब से देखे मम्मी आ रहे थे तो ये लेके आ गए। और पूरी जो है तो पूरी का ऐसा है कि मैं पूरी नहीं बनाती हूँ, देखिए मुझे ना पूरी नहीं जमती है बनाना। तो वैसे मुझे हस्बैंड जी को पसंद बहुत है लेकिन बनाना नहीं जमता है मुझे। तो बस मम्मी आ रहे थे तो ये भी मम्मी बना के लेके आ गए कि फ्रिज में तो ख़राब नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा हम खाते रहेंगे ऐसा करके। और वेफर भी बनाए हुए थे तो वेफर भी लेके आए हैं मम्मी। तो ये देखिए सामान नॉर्मल है लेकिन ये सब चीज़ें एक माँ ही सोच सकती है। अगर देखिए मम्मी ने ये सब चीज़ें लाया है तो अगर माँ नहीं होती तो ये सब चीज़ें भी नहीं आती। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन माँ के अलावा कोई और ये सब चीज़ें का इतना ध्यान भी नहीं रख सकता था, क्योंकि देखिए मैंने तो बोला भी नहीं था, बस मम्मी लोग का आना हुआ और फ़ोन पे बस ऐसी होती है ना कुछ बातें वगैरह, तो मम्मी को जो जो याद था मम्मी लेकर आ गए। तो बस जी माँ बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा, माँ की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। और मेरी तबीयत ना ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। मम्मी आए थे ना तो मम्मी भाई वगैरह, देखिए वो लोग मंगल के दिन रात में आए थे और आज है जुमेरात और वो लोग कल गए हैं, कल 11 बजे सुबह दोपहर के मतलब 11 बजे वो लोग गए हैं। तो दो रात और एक दिन वो लोग रुके, वो भी भाई की बेटी जिद कर रही थी बाबू के साथ, उसको अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और भाई का काम थोड़ा सा मतलब बंद नहीं था लेकिन थोड़ा भी फ्री थे वो एक दो दिन के लिए, तो भाई भी रुक गए, वरना भाई जब से मेरी शादी हुई है भाई कभी भी नहीं रुकते हैं, और फिर मेरी तबीयत की वजह से भी रुक गए थे वो। तो ऐसा तो तबीयत तो ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। सोचा चले जो मम्मी लाए हैं वही बता दूँ आपको। सामान कीमती नहीं है लेकिन माँ की मोहब्बत बहुत ज़्यादा कीमती है। ये बिस्तर देखिए बेड में रखा हुआ था अंदर, तो बस मम्मी लोग आए थे तो ये निकालना पड़ा था, क्योंकि हमें तो नहीं लगता है हम इधर ही आ जाते हैं सब। मम्मी लोग आए थे, जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं ना तो तब निकालती हूँ। और ये एक भी तकिया या फिर ये जो भी हाथ की सिली हुई गोदरी वगैरह होती है, कुछ भी मतलब मैंने कभी कुछ भी नहीं किया है, ना ही मतलब सासू माँ तरफ से कुछ लिया है मैंने। सब ये सब चीज़ें मम्मी के घर से ही आती है, बहुत सी चीज़ें मम्मी के घर से आती है। देखिए मैं जब से मतलब मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो जो लाती हूँ वो शेयर कर देती हूँ आप सबके साथ। लग गया ये हटा लूँ, अच्छा ठीक। अच्छा देखो कूलर कूलर चालू कर दिया तुमने, हेलो कूलर बंद कर दो, जाओ जल्दी जाओ जल्दी बंद करो, आवाज़ नहीं आएगी। और मेरे एक सिस्टर थे जो मुझसे हलीम के बारे में पूछ रहे थे कि मुझे खिचड़ा बनाने आता है या नहीं, तो देखिए खिचड़ा मुझे मेरी मम्मी के हाथ का ही बना हुआ पसंद आता है, और अगर मम्मी से मैं सीखना चाहूँ ना तो सीख सकती हूँ, लेकिन इसलिए नहीं सीखती हूँ कि सासू माँ के इधर अलाउड भी नहीं है। देखिए बोलते हैं ना थोड़ा बहुत अंधविश्वास टाइप, तो इनका कहना ऐसा होता है सासू माँ वगैरह का कि इनके घर पे जो है ये लोग बोलते हैं इनको लेना नहीं है, अगर हलीम वगैरह बना ले तो इनको कुछ भी मुसीबत आती है। खैर जिसकी उसकी, मैं ये सब नहीं मानती हूँ, देखिए एक बात बता रही हूँ, मैं ये सब नहीं मानती, लेकिन होता है ना जिसकी उसकी सोच, और फिर हम उनके कहने के आगे नहीं जा सकते। देखिए अगर खुदा ना खास्ता मैंने बना लिया, और वैसे तो अल्लाह तरफ की बात होती है, कुछ होना नहीं होना, अल्लाह ताला चाहे तो, अल्लाह ताला अगर ना चाहे तो देखिए दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हल सकता। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता मैंने बनाया और कुछ हो गया तो फिर वो होता है ना कि अच्छा तुम बहुत ज़्यादा होशियार हो, पढ़ी लिखी हो, हमारी बातों का तुमको कोई असर नहीं होता, अपनी चलाती, मतलब इस तरह की बातें। इसलिए मैं ना यहाँ पर बनाने की को ट्राई भी नहीं करती, क्योंकि मम्मी के घर जाती हूँ तो वहीं पर बन जाता है। और हाँ एक मिनट, वो देखो कीड़ा कितना बड़ा कीड़ा है, देखो रखी के पास से हटाओ, इनको आ रही है इनके अब्बू की पप्पा की याद, तो बस ये इसलिए परेशान कर रहे हैं। और देखिए हम जाते हैं ना तो स्पेशली हमारे लिए मम्मी जो है बनाते हैं, सासू माँ और ससुर जी ये लोग भी अगर आए ना या तो फिर हस्बैंड जी भी, तो स्पेशली मम्मी हलीम बनाती है, क्योंकि उनको पता है ना कि हमारे इधर नहीं चलता है, एक हलीम और एक आचार का ये लोग बोलते हैं कि इनको नहीं चलता ऐसा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। तो चलिए जी बस यही कुछ बातें थी, बाबू मुझे आप सबसे बात करने भी नहीं दे रहे ठीक से। चलिए मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।